हम लोग वंस मोर वापस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। हमने जब सुना कि हमारे उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे के सांसद जो है वो गैर हाजिर हो गए, संसद छोड़ के चले गए, तो हमको ये लगा कि ये बातें उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, क्या ऐसा कारण था? ये अपनी पोजीशन क्लियर करें, भूमिका अपनी स्पष्ट करें। अगर ये ऐसी इस तरह की भूमिका लेंगे तो हमारे मन में जो है ये आएगा कि हमसे गलती हो गई कहीं ना कहीं, और आगे ऐसी गलती हमें नहीं दोहरानी चाहिए। ये अपनी पोजीशन क्लियर करें, भूमिका अपनी स्पष्ट करें। अगर ये ऐसी इस तरह की भूमिका लेंगे तो हमारे मन में जो है ये आएगा कि हमसे गलती हो गई कहीं ना कहीं, और आगे ऐसी गलती हमें नहीं दोहरानी चाहिए। संजय राउत साहब फोटो दिखा रहे लोगों का, तो पहला मैं बोलना चाहूंगा कि वो सुबह सुबह वो क्या करते, खाली फोटो में आते, लोगों में नहीं आते। लोगों में जो रहता है ना उनसे आप बात करें। क्या है संसद जिनको मुसलमानों ने जिताया, ये बात तो तय है ना कि मुसलमानों ने वोट दिया है। ये बात तो आप भी बोलते हो कि मुसलमानों को वोट हमको मिले है, तो ये नौ सांसद बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का गुस्सा फूटते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो हाल ही फिलहाल में जो है सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने मातोश्री के बाहर जमावड़ा लगाया था, और अब उन्होंने जो है बयानबाजी करनी भी शुरू कर दी है और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधते नजर आए, तो एकनाथ शिंदे के काम की तारीफ भी की। इस दौरान जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे से अगर कोई मिलने जाता है, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति, तो उनके बॉडीगार्ड उन्हें साइड कर देते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ऐसे नहीं है। एकनाथ शिंदे मुस्लिम समाज के लोगों के दुख में सुख में, यहां महाराष्ट्र में रह रहे जो मुस्लिम समुदाय के छोटे से बड़ा से हर व्यक्ति के घर पर अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की मैया, तो हर जगह जो है मौजूद रहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करते हैं। इस दौरान वो कहते भी नजर आए कि हमें खुशी होती है कि हमने जो है एकनाथ शिंदे को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, और हमें दुख है कि हमने उद्धव ठाकरे को बैठने का मौका दिया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो चुप है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन को लेकर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था संसद में, इसे लेकर भी उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, और ये कहा कि जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस वक्त उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समुदाय के हितों को अनदेखी कर दी, और इनके जो 9 के 9 सांसद थे वहां पर वो मौजूद ही नहीं थे। उनके 9 लोकसभा सांसद जो है संसद से गायब थे, जो कि काफी ज्यादा उन्हें हर्ट हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। क्या हमसे गलती हो गई कि हमने उन्हें इस तरीके से देखा, इस तरीके से उन पर भरोसा किया कि हमें लगा कि वो हमारे हितों के बारे में देखेंगे, हमारा स्टैंड लेंगे, लेकिन बातें उनके कानों तक पहुंचे इस वजह से हमने ये चीजें जो है कहनी शुरू की है। तो ऐसे में उनका गुस्सा साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि संसद में वक्फ बोर्ड बिल पर जो है पेश होते समय शिवसेना के सांसदों के मौजूद ना रहने को लेकर मुस्लिम समाज में इसे लेकर खासा नाराजगी है। इस बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगे जो है उन्होंने रखी, और इस दौरान वो काफी कुछ जो कहते नजर। हमने आपको बताया कि किस तरीके से लोकसभा के दौरान जो है लोकसभा चुनाव के भी दौरान उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटों की जरूरत थी, तो बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन जब उनके वोट की जरूरत होती है तो ये नेता मुसलमानों के पास आकर वोट मांगते, लेकिन जब केंद्र सरकार के अधिकारों पर हमला कर रही है तो यही नेता गायब हो जाते हैं। यही नहीं, संजय राउत के बयान पर भी काफी हंगामा मचा। उन्होंने कहा कि संजय राउत एक सीनियर नेता है, इस तरीके का बयान वो कैसे दे रहे हैं, क्या उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, और किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। देखिए, ये राजनीति का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है कि संजय राउत जैसे इतने सीनियर सांसद से इस तरह की भाषा का हम लोगों को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसी भाषा उनको इस्तेमाल करना चाहिए कि उनका जो स्ट्रेचर है उसके समांतर जाए, ये उसके स्ट्रेचर के खिलाफ वाली भाषा है। अब रहा सवाल थाना और मुख्यमंत्री के करीबी है या मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, महाराष्ट्र में 1960 में हमारा ये स्टेट बना है, आज इतने दिनों में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो सामान्य जनता का मुख्यमंत्री है। आज रस्ते में चलते चलते आदमी उनको हाथ देता है, खड़े हो जाते हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, शिवसेना के 8-2.5 साल मुख्यमंत्री थे, जब इसके पहले के मुख्यमंत्री ने इस एक्सेस ही नहीं दिया किसी को, उनके अगल बगल फटकने का कोई चांस ही नहीं दिया, तो कोई कहां से फोटो खिंचवाएगा और कोई कहां से उनकी तारीफ करेगा? आज ये मुसलमान, देखो ये एक नैरेटिव है, ये बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का जो ये हम लोग उनके वोटर है और हम उनके वोटर है और वी आर प्राउड टू बी वोटर, उनके वोटर होने का हमको गर्व है, क्योंकि हमने जिसको वोट दिया था वो आज मुख्यमंत्री बना है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज इन 2-2.5 सालों में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की काया पलट कर दिया है। जो आप विकास देख रहे हो, आप बम्बई थाना या महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में चले जाओ,
ये विकास महाराष्ट्र के लिए सपना था, इस सपने को साकार करके किसने दिखाया? एकनाथ शिंदे साहब ने दिखाया। तो जब एकनाथ शिंदे साहब इतना बड़ा बड़ा काम करेंगे, मामूली कार्यकर्ताओं के घर चले जाएंगे, हमारे यहाँ छोटे से कार्यकर्ता के यहाँ मैयत हो जाती है, उसके मैयत में चले जाते हैं झोपड़पट्टियों में, तो हमारा भी, हम एक नागरिक के तौर पर, हम कोई पार्टी के कार्यकर्ता उनकी बोल के तारीफ नहीं कर रहे, हम एक नागरिक के हिसाब से उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जब एक नागरिक ये देखता है कि हमारा मुख्यमंत्री एक छोटे से कार्यकर्ता के घर में मैयत में आ रहा है, उनके अच्छे बुरे में आ रहा है, उनके बारसा में आ रहा है, उनके बर्थडे में आ रहा है, उनकी शादी में आ रहा है, उनके सुख दुख में आ रहा है, तो हमारा दिल भी भर आता है। और हमको ये नेचुरल है, ये प्रकृति का नियम है कि आप अगर किसी जानवर को भी आप प्यार करोगे तो वो भी आपके सामने दुम हिलाएगा। तो हमें जब ये मालूम पड़ा कि उनके नौ सांसद, जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आई है तो उस पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के और इंडिया आघाड़ी के लोगों ने अपना जो भाषण शुरू किया तो उसके विरोध में भाषण शुरू किया, ये भी इंडिया आघाड़ी के घटक थे। हमको ये उम्मीद थी एज अ मुसलमान, क्योंकि हमको ये पता है कि वक्फ की जो बिल लाई गई है भाजपा द्वारा, ये बिल सिर्फ डायल्यूट करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए लाया गया इलेक्शन में, बाकी इनके पास कोई काम नहीं है, सत्ता में यही है, डबल इंजन सरकार, ये ट्रिपल इंजन सरकार सब जगह यही है, खास करके भाजपा। आज इनके पास अगर कोई चेहरा है तो मुख्यमंत्री का चेहरा है। मैं भाजपा वालों से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने रखकर अपना आगे का काम करो, वरना आपके 50 सीट के लाले पड़ जाएंगे। तो जब इन्होंने ऐसा ये चिढ़ाने का काम किया और हमने जब सुना कि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद जो है वो गैर हाजिर हो गए, संसद छोड़ के चले गए, तो हमको ये लगा कि ये बातें उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। क्या ऐसा कारण था? उस दिन तो कुछ नहीं था, बिल सिलेक्ट कर ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जा रही थी, पहले तो नहीं मालूम था ना आपको। ये तो जब एनडीए आघाड़ी वालों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, नीतीश कुमार की पार्टी ने, माननीय रेड्डी वो आंध्रा वाले आंध्रा की पार्टी ने जब वो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तब इन्होंने ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा। उसके पहले इन्होंने विरोध नहीं किया, इनके नौ सांसद जाके कैंटीन में बैठ गए, वहां पर आराम से खाना खा रहे हैं। तो हमको, हम आहत हुए कहीं ना कहीं, देखो एज अ मुसलमान हम आहत हुए। हमको ये लगा कि जब मुसलमानों ने इतना दिल से और इतना भरघोश और इतना टूट कर इनको जो है वोट दिया है, आखिरी हद तक वोट दिया है, तो फिर इनको हमारे हित में बात करनी चाहिए थी। अभी आपकी क्या मांग है? जिस तरीके संजय राउत ने आपका फोटो दिखाकर कहा कि ये गुंडे लोग थे, उद्धव ठाकरे से क्या मांग करना चाहोगे भैया? हम सम्मान्य उद्धव साहब से बोलना चाहेंगे कि आपके जो जो राज्यसभा में और जो विधान इधर लोकसभा में जो जितने भी सांसद है, ये अपनी पोजीशन क्लियर करें, भूमिका अपनी स्पष्ट करें। अगर ये ऐसी इस तरह की भूमिका लेंगे तो हमारे मन में जो है ये आएगा कि हमसे गलती हो गई कहीं ना कहीं, और आगे ऐसी गलती हमें नहीं दोहरानी चाहिए। ये हमारी माननीय उद्धव साहब को हमारा निवेदन है कि आपको मुसलमानों ने प्रेम दिया है, उस प्रेम को कायम रखना नहीं रखना ये आपके हाथ में है, और अगर इस तरह का कृत्य हुआ तो आगे आप ग्रांटेड नहीं लेना मुसलमानों का वोट। वो संजय राउत साहब ने जो कहा वो एकदम सही कहा कि प्री प्लान था, क्योंकि हमने उनको वोट दिया था। रिजवान भाई, ये हमारी वोटिंग यादी है, ये आप, हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये हजूरी थाने में जो इलाका आता है, यहाँ के मौजूदा एमएलए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके विरोध में जाकर, उनके पार्टी के विरोध में जाकर हम लोगों ने मतदान किया। गौतम नगर यादी नंबर 179, नरेश मस्के 74, राजन विचारे 202, यादी नंबर 179, गौतम नगर अर्जुना पार्क, नरेश मस्के 151, राजन विचारे 432, हजूरी 204, हजूरी यादी नंबर 230, नरेश मस्के 255, राजन विचारे 205, हजूरी यादी नंबर 109, नरेश मस्के 496, राजन विचारे 206, यादी नंबर हजूरी 103, नरेश मस्के 359, राजन विचारे साहब, आम्ही तुम्हाला मतदान केलेला आहे, हमने वोट दिया है, और वोट इसलिए दिया था कि हमको लगा था कि जो महाराष्ट्र में आपके साथ जो अन्याय हुआ है, नहीं भाई हमको उसका हक अदा करना पड़ेगा। लेकिन आपके खासदार लोग, नौ खासदार लोग जो वॉकआउट किए हैं, उससे ये चीज पता चल गई कि आप लोग को हमारे लिए स्टैंड लेना नहीं है। और ये पिक्चर उसी दिन क्लियर हो गई जिस दिन आपके नौ के नौ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉकआउट किए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का जो बिल आया था, हर पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी ने उसका विरोध किया। हमें भी उम्मीद थी कि आपके नौ के नौ सांसद विरोध करेंगे, और बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि राउत साहब सुबह सुबह उठ करके न्यूज पे आके डिबेट की बात करते हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बिल के ऊपर क्यों नहीं ज्यादा बात की है, और क्या वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बिल का विरोध करेंगे? उनको वो स्पष्टीकरण देना ज्यादा इंपॉर्टेंट था,
ताकि फोटो दिखा के किसी के ऊपर आरोप करना कि भाड़ोतरी लोग है और सुपारीबाज है। वोटिंग के टाइम भी यही दाढ़ी टोपी वाले लोग आपको अपना भाड़ोतरी और सुपारीबाज नहीं दिखे क्या? वोट ले लिए तरीके से लोकसभा में आपने वोट डाला इंडिया अलायंस को, हाँ, आने वाले विधानसभा में किस तरीके से उत्तर मिलेगा रिजवान भाई? अभी ये खासदारगी के लिए जो इन लोग ने स्टैंड नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। अभी आप, मैं कल भी न्यूज में देख रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि भाई यार हमने तो दिलो जान से इनको वोट दिया कि ये लोग हमारे स्टैंड लेंगे, लेकिन ये लोग खुद वॉकआउट हो गए। तो सोचना तो पड़ेगा और ऑप्शन भी बहुत है। देखो पहली बात तो आंदोलन करने के लिए, जो बात बोले आंदोलन करने के लिए संजय राउत साहब, फोटो दिखा रहे लोगों का, तो पहला मैं बोलना चाहूंगा कि वो सुबह सुबह वो क्या करते, खाली फोटो में आते, लोगों में नहीं आते। लोगों में जो रहता है ना उनसे आप बात करें, फोटो दिखाने का काम। अभी तो फोटो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, देखिए ये राजन बिचारे साहब के साथ मैं हूँ, ये देखिए उदय साहब भी मेरे साथ में है। और अभी एक चीज और बताना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब की बात आ रही है। देखो अभी देखो इसमें ना उदय साहब से मिलने के लिए कुछ मुस्लिम समाज के लोग गए थे, बॉडीगार्ड ने साइड में कर दिया, ये शिंदे साहब नहीं करते, गरीब अमीर जात पात नहीं देखते, कोई भी आया आओ क्या काम है क्या प्रॉब्लम है, सबकी तकलीफ सुनते, सबसे बात करते। ये इसको क्या मालूम रहे संजय राउत साहब को। और रही बात तो बिल के ऊपर, अपना मुस्लिम के लोग गए थे, मुस्लिम लोग गए थे, ये पूछ, ये इसका सवाल करना कहता है लोगों को कि आप 9 लोग भागे क्यों? इंडिया अलायंस के लोग बोले वहां पे, विरोध किए, MIM के लोग किए, राष्ट्रवादी के लोग किए, सबने विरोध किया, आप क्यों भागे? आज महाराष्ट्र में सबसे मुसलमानों के हित तो तुम ही हो, लोग तुमको ही वोट दिए ना, तो आप क्यों भागे? आप इस पे जवाब देने के बजाय सुपारीबाज कह रहे हो, आप अपने आप को पहले देखो। हम लोग टोटल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को वंस मोर लाना चाहते हैं, उदय साहब नहीं चाहिए, ऐसा करेंगे मुसलमानों के साथ ये करेंगे? अगर पूछने गए कुछ सवाल तो सुपारीबाज गुंडे क्रिमिनल, इसलिए वोट दे रही पब्लिक तुमको। हम लोग वंस मोर वापस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। ठीक है, मेरा तो संजय राउत से ये बोलना है कि सबसे पहले आपने नाम तो लिए सलमान शेख, पूरे जो जापर में रहता हूँ, अगले पुलिस स्टेशन या थाना हो वहाँ पर भी देख लो कि मेरे ऊपर कुछ आरोप है, कि मैं आरोपी हूँ, मेरे ऊपर एक केस है। मैं एक समाज सेवक हूँ और जो मेरे यहाँ के लोगों ने, जो मेरे मोहल्ले के लोगों ने जो उद्धव साहब का साथ देके वोट दिया, उसके वजह से ये जो आज बात आई कि सारे मुसलमान का वोट ऑल साइड हुआ, और वक्त वोट के लिए लड़ने के बजाय संजय राउत तू वक्त वोट की आवाज देने के बजाय वो आवाज क्या निकाल रहा है कि ये क्रिमिनल हो गया सुपारीबाज है, ये हमारे मुख्यमंत्री का नाम खराब करने के लिए डायलॉग मार रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। तो आपको क्या कहना चाहिए कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को इस पे पाबंदी लानी चाहिए, क्या कुछ उद्धव ठाकरे को जो है संजय राउत के ऊपर रोक लगानी चाहिए? देखो जिस तरह इंडिया अलायंस ने सपोर्ट किया है MIM बिल पे, तो उसी तरह ये नव सांसद भी करना मांगता था, इनके पीछे क्या राज है हमको समझ में नहीं आ रहा। और खाली बोलने के लिए आपके खाली एक तोताबाज संजय राउत ही है, दूसरा कोई है नहीं। वो का है सांसद जिनको मुसलमानों ने जिताया, ये बात तो तय है ना कि मुसलमानों ने वोट दिया है, ये बात तो आप भी बोलते हो कि मुसलमानों को वोट हमको मिले है, तो ये नव सांसद बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इनका भी काम है बोलना। तो जैसे लोकसभा में इंडिया अलायंस को भारी बहुमत अल्पसंख्यक के द्वारा मिली, तो आने वाले विधानसभा चुनाव द्वारा महाराष्ट्र में क्या उनको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना दिखावा अभी से शुरू हो चुका है, इससे समझ में आता है कि ये दो तरफा चाल चली जा रही है। अगर एक तरफा होती तो ये फुल सपोर्ट में आते थे, और विधानसभा में ओनली फॉर CM हो गया हमारे एकनाथ शिंदे साहब। तो जैसा कि आपने सबको सुना, सबके पास अपनी अपनी चीजें हैं कहने के लिए, एकनाथ शिंदे की एक तरफ तारीफ हो रही है तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे की क्लास लगाई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कितने सीनियर नेता है संजय राउत, और उसके बाद भी उनकी स्थिति कैसी है, उनसे कोई चीज पूछा नहीं जा सकता, वो कुछ बता नहीं पाते हैं, उनकी स्थिति एकदम बिल्कुल अलग है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से चीजें कहते हैं। उद्धव ठाकरे हमारे स्टैंड नहीं लेते हैं, एकनाथ शिंदे एक बेहतर मुख्यमंत्री है, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए काफी काम किया है, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो सपने लोगों ने बोए थे उन सपनों को उन्होंने
साकार करने का काम किया है, बेहतरीन तरीके से महाराष्ट्र में विकास हो रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे को जिस काम के लिए संसद में लाया गया था उस काम को भी वो नहीं कर पा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से वोट लेते वक्त वो आ जाते हैं, लेकिन काम करने के वक्त वोट बिल के वक्त उनके 9 सांसद जो है वो गायब हो जाते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गुस्सा जो है देखने के लिए मिल रहा है और उद्धव ठाकरे की वो जमकर क्लास लगाते भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।